अभिवादन स्वीकार कीजिए नासिर का। दोस्तों, एक विशाल जहाज का इंजन खराब हो गया। लाख कोशिशों के बावजूद कोई इंजीनियर उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। फिर किसी ने एक मैकेनिकल इंजीनियर का नाम सुझाया, जिसे इस तरह के काम का 30 से अधिक वर्षों का अनुभव था। उसे बुलाया गया। इंजीनियर ने वहां पहुंचकर इंजन का ऊपर से नीचे तक बहुत ध्यान से मुआयना किया। सब कुछ देखने के बाद इंजीनियर ने अपना बैग उतारा, उसमें से एक छोटा सा हथौड़ा निकाला। फिर उसने इंजन पर एक जगह हथौड़े से धीरे धीरे खटखटाया और कहा कि अब इंजन चालू करके देखिए। और सब हैरान रह गए कि अब इंजन फिर से चालू हो चुका था। इंजन ठीक करके इंजीनियर चला गया। जहाज के मालिक ने जब इंजीनियर से जहाज की मरम्मत की फीस पूछी तो इंजीनियर ने कहा $20,000। क्या? मालिक चौंका, आपने लगभग कुछ नहीं किया। मेरे आदमियों ने मुझे बताया कि तुमने एक हथौड़े से इंजन पर सिर्फ थोड़ा सा खटखटाया था। इतने छोटे से काम के लिए इतनी बड़ी फीस? आप हमें एक डिटेल्ड बिल बना के दीजिए। इंजीनियर ने बिल बनाकर दे दिया। उसमें लिखा था, हथौड़े से खटखटाया $2। कहां और कितना खटखटाना है? $19,998। फिर इंजीनियर ने जहाज के मालिक से कहा, अगर मैं किसी काम को 30 मिनट में कर देता हूं तो इसलिए कि मैंने 30 साल ये सीखने में लगा दिए कि उसे 30 मिनट में कैसे किया जा सकता है। मैंने आपको 30 मिनट नहीं दिए, इतने समय में मैंने 30 वर्षों का अनुभव दिया है। फीस कितना समय लगा उसकी नहीं, मेरे अनुभव की है। जहाज का मालिक बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने खुशी खुशी इंजीनियर को उसकी फीस दे दी। तो किसी की विशेषज्ञता और अनुभव की सराहना करें, क्योंकि ये उनके वर्षों के संघर्ष, प्रयोग, मेहनत और आंसुओं का परिणाम है। अपना ख्याल रखिए। हेलो एवरीवन, मैं वीना। 24MLB चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।